नमस्ते, मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सुपर 7। किसी भी देश के विकास की गति को प्रभावित करने में कई फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं और उन्हीं में से एक फैक्टर है जनसंख्या भी। अब ये जनसंख्या कितनी बड़ी फैक्टर है, ये कितना बड़ा रोल अदा करती है देश के विकास में और खास करके हमारे देश के विकास में, यही समझाते हुए एक वीडियो सामने आया है। और वीडियो में ये जो समझा रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। समझाना तो सही चीज है, साफ साफ वीडियो में बता रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कितना जरूरी है। यही बात समझाते समझाते क्या कुछ बोल जाते हैं गिरिराज जी, आप स्वयं ही सुन लीजिए। देश का माहौल सोची समझी रणनीति के तहत भी कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को भी खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भारत के अंदर आज समय आ गया है एक कड़ा कानून बने जनसंख्या नियंत्रण के लिए, कॉमन सिविल कोड के लिए। जहां जहां देश के अंदर अखंड भारत को देखें तो जहां जहां देश बहुसंख्यक की आबादी गिरी, आज बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, लोकतंत्र नहीं के बराबर है। भारत के अंदर में कश्मीर को देखें, आज केरल को देखें, आज बंगाल को देखें, बिहार के पूर्वांचल को देखें, यहां सामाजिक समरसता टूट रहा है। ऐसी स्थिति में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में सामाजिक समरसता के लिए, देश में विकास के लिए एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दी जानी चाहिए, उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी पर एक समान लागू हो। तो आपने सीधे तौर पे सुना कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी का ये सीधे तौर पे कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण का एक कानून बनाया जाए और उस कानून का पालन यदि जो न करे तो उसकी वोटिंग राइट्स जो है छीन ली जाए। अब जब ये बयान सोशल मीडिया पर सामने आता है तो बवाल हो जाता है, कई प्रकार से इस बयान को ट्रॉल किया जाता है और लोकतंत्र के जितने भी रक्षक हैं, ये जो लास्ट लाइन बोला गया कि वोटिंग राइट्स को छीन लिया जाएगा, इसको पकड़ लेते हैं और ये जरूरी भी है। अब इस वीडियो के चर्चे में आने के बाद पत्रकारों ने उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया कि गिरिराज जी का ये कहना है, आप क्या कहते हैं, तो पलटवार में सुनिए उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ कहना है। छीन ले भैया, उनके हाथ में पार्लियामेंट है ना, अभी बहुमत है ना, छीन ले, हिम्मत है तो दिखा दे, फालतू बात कर, हिम्मत है तो दिखावे ना, बिल्ली की तरह बात करेंगे, हिम्मत है तो दिखावे, छीन करके किसका छीनते हैं, दिखावे आप लोग इसके बोल किसको रहे हैं या विरोध में, अगर केंद्र सरकार इस बिल को लाती है। अरे केंद्र सरकार को किसी का वोटिंग राइट इन्होंने दिया है कि छीन लेंगे? वोटिंग राइट बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है, भारत की जनता ने दिया है, इन्होंने दिया है कि छीन लेंगे और रख लेंगे, बोल ही रहे, फालतू बोल रहे हैं लोग। बीजेपी कह रही है कि शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से उनको सोच विचार करना चाहिए मुख्यमंत्री को, क्योंकि हाय तौबा मचा हुआ है। नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं, गांव में सब लोग इसके समर्थन में है, सब लोग चाहते हैं कि बेहतर तरीके से शराबबंदी कानून लागू हो, शराबबंदी के निर्णय को सब लोग सराह रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं कार्यान्वयन के स्तर पे नीचे कुछ अधिकारियों के चलते गड़बड़ी होती है, तो लोगों की यह इच्छा है कि कार्यान्वयन के स्तर पे जो गड़बड़ी है उसको भी ठीक किया जाए। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या कुछ कहना था और गिरिराज जी का क्या कुछ कहना था। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी चीज है और ये हम और आप मिल करके करेंगे। यदि आप नहीं जागरूक होंगे तो कानून लाना पड़ेगा, लेकिन कानून आएगा भी तो कानून का पालन नहीं करने पर सजा क्या होगी ये तय करने वाले गिरिराज जी नहीं है। आपका क्या राय है आप जरूर कमेंट में बताइए। और आप जुड़ रहे न्यूज सुपर 7 के साथ, तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।